नमस्कार दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कवित्त छंद किसे कहते हैं और इसके सरल से उदाहरण और इनका राग यानी कवित छंद को किस प्रकार गाया जाता है इससे संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों विषय हिंदी के अंतर्गत और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है दोस्तों तो हम देखते हैं सबसे पहले कवित छंद की परिभाषा कवित छंद एक वर्णिक छंद है यानी कि इसमें सिर्फ वर्णों की गणना की जाती है यानी कि अक्षरों की गणना की जाती है इस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में सोलह और पंद्रह के विराम से इकतीस वर्ण होते हैं दोस्तों यानी कि इस वर्णिक छंद में प्रत्येक चरण में सोलह और पंद्रह के विराम से इकतीस वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है इस छंद को मनहरण घनाक्षरी छंद भी कहते हैं यानी कवित छंद का एक और नाम क्या है मनहरण घनाक्षरी छंद हम देखते हैं उदाहरण भूषण कवि की कुछ पंक्तियों के द्वारा साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी सर जैसे जी जंग जीतन चलत है भूषण भनत नद विहद नगारन के नदी नद मद गैरन के रलत गजन की ठेल पहल सैल उल सत है यानी कि इस पंक्ति में शिवाजी का वर्णन हो रहा है अब हम देखते हैं इन पंक्तियों में सोलह मात्रा है सबसे पहले पहली पंक्ति में सोलह मात्राएं वर्णों की गणना होती है इसमें एक 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 यानी कि एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो देखिए इसमें सोलह मात्रा होती है पहली पंक्ति में फिर यति आती है यति के बाद इस वाली पंक्ति में पंद्रह पंद्रह वर्ण होते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तेरह चौदह पंद्रह इसी प्रकार इसमें देखते हैं दोस्तों एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह नीचे देखते हैं हम एक दो तीन चार पाँच, छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह आई बात समझ दोस्तों इसी प्रकार नीचे वाली पंक्ति में भी ऐसी है तो सोलह के बाद यति आती है और यति के बाद फिर नीचे वाली पंक्ति में पंद्रह वर्ण होते हैं दोस्तों ठीक है ना अगला उदाहरण देखते हैं हम धूप सा कड़क बन छाओ की सड़क बन उर की धड़क बन पिता हमें पालता फट फटकार कर कभी पुच कार कर सब कुछ वार कर वही तो संभालता जीवन आधार बन प्रगति का द्वार बन जीवन का आधार बन प्रगति का द्वार बन ईश का दुलार बन सच में ढालता मेरा आसमान पिता मेरा अभिमान पिता जगवर पिता संकटों को टालता तो दोस्तों इसमें भी जो पहली पंक्ति है इसमें सोलह वर्ण है और इसके बाद यति है और यति के बाद पंद्रह वर्ण है आप खुद ही कर कर देखेगा वर्णों में सिर्फ एक ही मात्रा गिनी जाती है ये ठीक है ना एक ही इसको गिना जाता है उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा समझ भी आएगा कवित छंद को मनहरण घनाक्षरी गराग, छंद कहते हैं ये एक वर्णिक छंद है इसमें पहले चरण में सोलह तथा दूसरे चरण में पंद्रह मात्राएं होती हैं यति के बाद उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा समझ भी में होगा मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों